अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाती है। तो इसके लिए मैंने ये एक गिलास दूध लिया है, मैंने ठंडा दूध लिया है। ये एक आम लिया है मैंने, आप अपनी पसंद का कोई भी आम ले सकते हैं। तो इसके मैंने धोकर काट कर मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। ये मैंने गुड्डे बिस्कुट लिए हैं बटर वाले, ये वाले बिस्किट लिए हैं मैंने, आप अपनी पसंद की बिस्किट भी कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसको मैंने क्रश कर लिया है मिक्सर में डाल के, तो थोड़े ये मोटे हैं और थोड़े थोड़े बारीक हो गए हैं। ये मैंने दो चम्मच भर का मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और दो चम्मच ही मैंने चीनी ले ली है। थोड़े से मैंने कटे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें बादाम है, पिस्ता है, पांच से छह काजू है और पांच से छह ही मैंने किशमिश के लिए है। इनको मैंने टुकड़ों में काट लिए हैं। थोड़े से हम फ्रूट्स का यूज करेंगे, अभी मैंने इसको कट नहीं किया है, नहीं तो फ्रूट हमारे काले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बब्बू बॉस से आधा ले लिया है, आधा मैंने सेब ले लिया है और आधा ये अनार दाना यूज करेंगे। एक मैंने आलू बुखारा ले लिया है, एक मैंने केला ले लिया है। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन का यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंने पैन रख लिया है, तो सबसे पहले हमने जो दूध लिया है इसको हम ऐड कर देंगे। इसमें से थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे कॉर्नफ्लावर घोलने के लिए। आंच मैंने मीडियम कर दी है, इसमें एक उबाल लगाएंगे। दूध में हमारे उबाल आ गए हैं, हमने दो चम्मच कॉर्नफ्लावर का लिया था और तीन से चार टेबल स्पून मैंने दूध बचा लिया था, इसको हमने उसी में घोल लिया है। और ये मैंने जो चीनी ली थी ये हम इसी में डाल देंगे। ये मैंने दो चम्मच चीनी ली थी, अब इसमें हम आचरनी गर्म कर लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे इस तरीके से। देखिए कितने जल्दी ये गाढ़ा हो गया है। कुछ सेकंड के लिए हमने इसको पका लिया है, आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसी में हमने जो आम की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये तैयार हो गया है। गैस हम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए हमारा कॉर्नफ्लावर और मैंगो की प्यूरी हमने जो तैयार करी थी ये हमने फ्रिज में रख दिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। इतनी देर में मैंने अपने फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं, तो इसमें मैंने थोड़े से आम भी कट कर लिए हैं। सारे फ्रूट्स अच्छे से धोकर मैंने इसको कट कर रख लिया है। अब हम अपना मैंगो डिलाइट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ये मग ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले हमने जो, आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा थिक कर सकते हैं, मैंने बहुत ज्यादा थिक नहीं किया है, डाल लेंगे। उसके बाद हमें बिस्किट का हमने जो चूरा बनाया था क्रश किया था ये ऐड कर देंगे। इसमें थोड़े मोटे टुकड़े हैं, थोड़े बारीक हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसी में हम डाल देंगे, हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं ये ऐड कर देंगे तरीके से। अरे इसी में हम डाल देंगे हमने जो थोड़ी सी मैंगो प्यूरी और ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया, अब इसी में हमने जो कटे हुए फ्रूट्स लिए हैं इनको मिक्स कर लेंगे, इनको भी डाल देंगे। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम जो हमने बिस्किट का चूरा लिया है ये फिर से ऐड कर देंगे एक बार। इसमें हम डाल देंगे हमने जो प्यूरी तैयार की है।
और इसमें हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, आप चाहें तो रोज सिरप का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एक चम्मच के करीब। अब इसमें हम फिर से मिक्स फ्रूट ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आप सब चीजों की लेयर बना लें। थोड़े से बिस्किट में और डाल देंगे। देखिए मैंगो डिलाइट हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको चाय बनाकर थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में रख दें, अगर आप ठंडा ज्यादा पसंद करते हैं तो। देखिए हमारी मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हो गई है, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। और इस पर थोड़ा सा हम रूह अफ़ज़ा और ऐड कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमारी कितनी अच्छी लेयर नजर आ रही है, और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और फायदेमंद भी बहुत है। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।